वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक जो कि वर्टिब्रेट्स या फिर कॉर्डेट्स से रिलेटेड है, दैट इज़ लोकोमोशन इन फिशेस। दैट इज़ फिशेस जो हैं उनके अंदर लोकोमोशन जो है वो कैसे होता है, कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो कि लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। तो बेसिक अगर एक ओवरव्यू हम देखें, इन केस इफ 5 मार्क्स में क्वेश्चन आए या फिर इन 10 मार्क्स में जो है वो क्वेश्चन आए, सो एक पैटर्न के अकॉर्डिंग जो है क्वेश्चन जो है हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो है वो एक बेसिक इंट्रोडक्शन देना है, देन लोकोमोट्रिक ऑर्गन्स जो कि फिश के लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, जस्ट लाइक फिन्स। और फिन्स भी जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। फर्स्ट होते हैं आपके अनपेयर्ड फिन्स। अनपेयर्ड फिन्स के अंदर भी आपके और टाइप्स आते हैं, जैसे कि डोर्सल फिन, वेंट्रल फिन और कोडल फिन। और कोडल फिन जो है वो भी 3 तरीके के होते हैं, दैट इज डाईसर्कल फिन, हेटरोसर्कल फिन एंड होमोसर्कल फिन। नेक्स्ट जो हमारा आता है दैट इज़ द पेयर्ड फिन्स। पेयर्ड फिन्स जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, दैट इज पेक्टोरल फिन एंड द पेल्विक फिन्स। एयर ब्लैडर जो है वो भी फिश के लोकोमोशन में हेल्प करता है, अनदर लोकोमोटरी ऑर्गन हम इसे कह सकते हैं। देन द लोकोमोशन इन टाइप अगर हम देखें फिशेज के अंदर, कि अलग अलग तरीके के मूवमेंट जो देखने को हमें मिलते हैं, दैट इज़ एंगुली फॉर्मेस मूवमेंट, क्रेंजी फॉर्मेस मूवमेंट, कार्टिलेगिनस मूवमेंट जो कि आप शार्क और स्केट्स में हमें देखने को मिलता है, और बोनी फिशेज जो हैं बेसिकली उनमें जो है हमें देखने को मिलता है, दैट इज़ बोनी फिशेज इन जनरल उनमें लोकोमोशन कैसा होता है, फ्लाइंग फिशेज हैं, हिपोकैम्पस है, और एट लास्ट द कंक्लूजन। सो लोकोमोशन की जब इंट्रोडक्शन की हम बात करते हैं, सो बेसिकली लोकोमोशन मीन्स द मूवमेंट इन द स्पेस फॉर वेरियस पर्पस, नॉट अ सिंगल पर्पस, वेरियस पर्पस। इट कंसिस्ट ऑफ क्या क्या इसमें होता है, इसमें स्विमिंग होती है, फ्लोटिंग होता है ऑन द सर्फेस, डाइविंग डीप डाउन द सी और द वाटर, स्ट्रटिंग व्हेन आउटसाइड द वाटर, पानी के बाहर निकलते हैं तब। ओके, सो ये सारे फेनोमेना जो है वो एक टुगेदर मिलके लोकोमोशन कंसिस्ट करते हैं। एंड द मेन ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन जो है वो फिन्स होते हैं, एयर ब्लडर होते हैं, या सेगमेंटेड मसल्स जो है वो फिशेज में पाई जाती हैं, अपार्ट फ्रॉम द स्पिंडल शेप्ड बॉडी जो उनकी लोकोमोशन में ऑब्वियसली हेल्प करती है। सो फिशेज शो 2 टाइप ऑफ लोकोमोशन, सच एज एंगुली फॉर्म ईल के अंदर जो हमें देखने को मिलता है, और एक होता है क्रेंजी फॉर्म जो कि ऑल अदर फिशेज में हमें देखने को मिलता है, इंक्लूडिंग द कार्टिलेजिनस और द बोनी फिशेज। सो इंट्रोडक्शन जो है वो हमेशा ऐसा होना चाहिए कि वो ओवरऑल व्यू हमें दे दे कि आगे हम कौन से टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। सो ये हो गया इंट्रोडक्शन। अब बात आती है लोकोमोटरिक ऑर्गन्स की, जिनमें सबसे पहले आता है फिन्स, दैट इज देर आर मेनली 2 टाइप ऑफ फिन्स, अनपेयर्ड फिन्स होते हैं और पेयर्ड फिन्स होते हैं। ओके, अनपेयर्ड फिन्स जो होते हैं इंक्लूडिंग डोर्सल, वेंट्रल और कोडल फिन्स। जैसे कि अगर हम डोर्सल फिन की बात करें तो डोर्सल फिन जो होते हैं, जैसे कि हम डायग्राम में भी देख सकते हैं, स्पाइंस होते हैं, दे कंसिस्ट ऑफ फिन रेज। मेडियली इनका प्रेजेंट, मेडियली ये प्रेजेंट होते हैं, सिंगल भी हो सकते हैं, डबल भी हो सकते हैं, एज वी कैन सी इन अनदर डायग्राम। और एंटी रोलिंग डिवाइस की तरह ये फंक्शन इनका होता है, रोलिंग में जो है, एंटी रोलिंग में जो है ये हेल्प करती हैं। सेकेंड इज द वेंट्रल फिन। वेंट्रल फिन जो है वो जैसे कि हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से इसे देख सकते हैं कि इट कंसिस्ट ऑफ हॉर्नी रेज, हॉर्न जैसे प्रोजेक्शंस जो है वो इसमें देखने को मिलते हैं, एंटी रोलिंग डिवाइस ही होती है। इट आल्सो हेल्प्स इन टर्निंग अपवर्ड डायरेक्शन, ऊपर की तरफ जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ जाने के लिए ये हेल्प करते हैं वेंट्रल फिन्स। देन द लास्ट इज द कॉडल फिन, दैट इज इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ स्किन सपोर्टेड बाय हार्ड चिटिनस एंड बोनी फिन रेज टू गिव देम स्ट्रेंथ। ओके, और कोडल फिन्स जो होते हैं वो अलग अलग फॉर्म्स में बाद में क्या है मॉडिफाई हो जाते हैं नीड के अकॉर्डिंग, कि किस फिश को कैसे टाइम पे एवोल्यूशन के टाइम पे या जो है वो जरूरत पड़ी और उसने जो है अपने कोडल फिन को अकॉर्डिंगली मॉडिफाई कर लिया। जैसे कि सबसे पहला आता है डाईसर्कल फिन, जैसे कि ये प्रिमिटिव शार्क्स में मिलता है, काइमेरा है, क्रॉस ऑफ टेरिगरी है, ओके, जो लिविंग वंस हैं, बाकी जो एक्सटिंक्ट हो गई वो नहीं। एंड लिविंग डिप्नोई जेट इज़ के लंग फिशेज हैं उनमें ये देखने को मिलता है, जैसा कि हम डायग्राम में दे सकते हैं, दैट इज़ इनमें वर्टिब्रल कोलम्स प्रेजेंट होते हैं, एपिकोडल लोब होता है, मीडियल लोब होता है। देन द सेकेंड वन इज हेट्रोसर्कल फिन,
दैट इज़ दिस कोडल फिन इज़ फाउंड इन बॉटम ब्रीदर्स, मतलब जो बॉटम में फिशेज रहती है ना, बेसिकली विद वेंट्रल माउथ, माउथ उनका वेंट्रली होता है, एंड विदाउट अ स्विम ब्लैडर, जिनमें स्विम ब्लैडर भी नहीं होता. तो स्ट्राइक ऑफ द लार्जर डोर्सल लोब इन स्विमिंग सर्व टू डायरेक्ट द फिश टुवर्ड्स बॉटम. तो बेसिकली ये जो इनमें जो डोर्सल लोब, जैसा कि हम डायग्राम में देख पा रहे हैं, तो ये प्रेजेंट होने के कारण क्या है, वो उनको सर्व करता है स्विमिंग के अंदर, वो बॉटम की तरफ आसानी से स्विम कर पाती है क्योंकि उनमें स्विम ब्लैडर नहीं हो पाता. ओके एंड द लास्ट इज द हाइपोसर्कल टेल फिन. ओके अगेन वेंट्रल लोब जैसे कि हम देख रहे हैं इलोंगेटेड है, एनलार्ज्ड है, तो ये बेसिकली फ्लाइंग फिश के अंदर ओस्टेकोडर्म्स हैं उनमें देखने को मिलता है. स्ट्राइक ऑफ हाइपोसर्कल टेल हेल्प्स द फ्लाइंग फिश ग्लाइड आउटसाइड द वाटर विद मैक्सिमम स्पीड के साथ वो ग्लाइड कर सकती है. एंड द होमोसर्कल टेल फिन दैट इज दिस इज मोस्ट एडवांस्ड एंड द कॉमन टाइप फाउंड इन मेजोरिटी ऑफ द बोनी फिशेज, जिनमें टर्मिनली माउथ प्रेजेंट होता है. तो ये जैसे कि हम देख सकते हैं डायग्राम में हाइप्यूरल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं. फंक्शन ऑफ ऑल द कोडल फिन इज लाइक रडार इन होमोसर्कल एज वेल एज प्रोपेलिंग फोर्स के जो है लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होती है. देन द सेकेंड वन इज द पेयर्ड फिन्स, इंक्लूड्स द लेटरल एंड द पेल्विक फिन्स. फिन्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, दैट इज़ बाइसीरियल फिन एंड द रे फिन. ओके सो बाइसीरियल फिन का जैसे हम डायग्राम देख रहे हैं, रेडियल बोन इसमें प्रेजेंट होती है और एक्सियल बोन जो है वो मिडिल में प्रेजेंट होती है. सो बाइसीरियल फिन मेनली अगर हम बात करें, सो मोस्ट एंशियंट टाइप ऑफ फिन क्रोसोप्टेरियगन और जो लंग फिशेज हैं और डिप्नोई हैं उनमें देखने को मिलता है. दे आर यूज फॉर स्विमिंग एंड वॉकिंग आउटसाइड द वाटर, पानी के बाहर की जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें यह काम आता था. देन द रे फिन, तो रे फिन जो है बेसिकली एग्जाम्पल है टीलियोस्ट, स्विमिंग में ही सिर्फ काम में आता है ये. दैट इज इट्स डायग्राम अगर हम देखें, सो इट कंसिस्ट ऑफ स्कैपुला, कोरेकोइड पोन, देन रेडियलिस एंड द फिन रेज. ओके लोब फिन्स की अगर हम बात करें, तो लोब फिन का डायग्राम हम देखते हैं जिसमें रेडियस है, ह्यूमरस है, अल्ना जो है ये देखने को मिलती है. मॉडर्न फिशेज डू नॉट हैव लोब फिन, इट वाज फाउंड इन क्रॉप्स ऑफ टेरिगी एंड नाउ फाउंड इन लैटिमेरिया. दे आर यूज्ड फॉर वॉकिंग ऑन द लेन, शॉर्ट जर्नी के दौरान जो है उनको वॉकिंग में हेल्प करने के लिए जो है यूज में लिया जाता था. दीज लोब फिन्स आर प्रिकर्सर टू टेट्रापोड लिम्स, मतलब टेट्रापोड लिम्स जो है उनके ये प्रिकर्सर माने जाते हैं लोब फिन्स. माना जाता है कि इन्हीं से जो है एम्फीबियंस में या फिर हम कहें टेट्रापोड्स के अंदर जो है लिम्ब का डेवलपमेंट जो है वो देखने को मिला है. देन द पेल्विक फिन्स, दे आर आल्सो मॉडिफाइड इनटू लोब फिन्स में ही मॉडिफाइड होते हैं, विच आर यूज्ड फॉर स्विमिंग एंड वॉकिंग इन मैनी फिशेज, लंग फिशेज में बेसिकली देखने को ये मिलते हैं. नेक्स्ट आता है दैट इज द एयर ब्लैडर. एयर ब्लैडर जो है वो अनदर एक हम कहें कि एक लोकोमोटरी ऑर्गन है फिशेस के अंदर. जैसा कि हम डायग्राम अगर देखें स्ट्रक्चर ऑफ अ एयर ब्लैडर, सो इट कंसिस्ट ऑफ अ पोर्टा वीन, देन सीलियो मिजेंट्रिक आर्टरी, को पोस्ट कार्डिनल वीन इसमें देखने को मिलती है डोर्सल व्यू, देन ओवल इज प्रेजेंट, देन रिटी माइरेबलियब माइरेबाइल दैट इज द रेड ग्लैंड जो कि गैसेस का सिक्रेशन का काम करता है वो भी यहाँ प्रेजेंट होता है. सो एयर ब्लडर इन द टीलियोस्ट दैट इज बोनी फिशेज एक्सेप्ट द बॉटम ड्वेलर्स, बॉटम ड्वेलर्स में ये एयर ब्लैडर जो है वो प्रेजेंट नहीं होता. फंक्शन चीपली एज ए हाइड्रोस्टेटिक ऑर्गन, दैट इज़ एक बैलेंसिंग ऑर्गन जो है उसका काम ये करता है, नॉट मोर देन दैट. सिक्रेशन ऑफ मोर गैसेज, ज़्यादा गैसेज का सिक्रेशन मतलब लोअर स्पेसिफिक ग्रेविटी, सो दैट फिशेज जो क्या है पानी में राइज करती रहती हैं, वो डूबती नहीं है, नीचे जाके सेटल नहीं होती है. ठीक है, रिजॉर्प्शन ऑफ द गैसेज मीन्स, अब इसका क्या मतलब है, दैट इज़ इंक्रीज इन द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द फिश सिंक, दस फिश इज़ एबल टू राइज और सिंक. तो मतलब क्या है कि ये भी पॉसिबल है कि वो ग्रेविटी जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी है उसमें इंक्रीज होना, दैट मीन्स फिश जो है अपने आप को हैंडल कर सकती है, या तो ऊपर राइज होना है तो वो राइज भी हो सकती है, नीचे सिंक होना है सिंक भी हो सकती है, मतलब एक कंट्रोलिंग एक्टिविटी जो है उसके पास होती है, और मेंटेन इट्स पोजिशन विदाउट द मस्कुलर एफर्ट.
ओके, बिना मस्कुलर इफेक्ट के वो ये चीज़ कर सकती है विद द हेल्प ऑफ एयर ब्लैडर। लोकोमोशन के अगर हम बात करें, द टाइप्स ऑफ द लोकोमोशन इन द फिशेज, सो ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, एंगुली फॉर्म जो कि ईल्स में देखने को मिलता है, क्रेंजी फॉर्म मोस्ट ऑफ द हायर एंड जो कार्टिलेजस फिश है उनमें ये देखने को मिलता है। एंगुली फॉर्म लोकोमोशन की अगर हम बात करें, जैसे कि ईल में देखने को मिलता है, ये ईल का डायग्राम है, दैट कंसिस्ट ऑफ पेक्टोरल फिन, डोर्सल फिन, कोडल फिन और वेंट्रल फिन। सो इट इज़ डन बाय द लेटरल मूवमेंट ऑफ द कोडल फिन। तो कोडल फिन के लेटरल मूवमेंट से जो है ये किया जाता है, ओके, विच एक्ट एज ए प्रोपल्सिव फोर्स, मतलब एक प्रोपल्सिव देने का काम वो करता है, एंड अ रेडार, वाइल पेयर जो आपके पेक्टोरल फिन है, ओके, एज अ स्टीयरिंग डिवाइस, वो आगे के स्टीयरिंग डिवाइस होते हैं, कंट्रोलिंग डिवाइसेस जो है वो होती हैं। देन सेकेंड वन इज द गेंजी फॉर्म, इट इज कॉल्ड द साइनसोइडल ओसिलेशन, विच इज़ कॉज्ड बाय द मूवमेंट ऑफ पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी, बॉडी के पोस्टीरियर पार्ट के मूवमेंट के कारण जो है ये देखने को मिलता है, ओके, इट इज़ फाउंड इन बोथ, दैट इज़ कार्टिलेजिनस एज वेल एज बोनी फिशेज, दोनों में ये देखने को मिलता है, जैसा कि हम डायग्राम में देख पा रहे हैं, दैट इज़ मूवमेंट ऑफ टेल प्रोड्यूसिंग फॉरवर्ड थ्रस्ट टू द बॉडी, टेल के मूवमेंट से बॉडी को आगे की तरफ मूवमेंट होने के लिए थ्रस्ट मिल रहा है, ओके, डोर्सल फिन है, पेक्टोरल फिन है डायग्राम में। देन दिस लोकोमोशन, दैट इज़ जो आपका साइनसोइडल ओसिलेशन है, ये दो टाइप्स का है, एक है इलास्मोब्रैंक टाइप, इलास्मोब्रैंक टाइप में भी हमें देखने को मिलता है, दैट इज़ द शार्क टाइप, ओके, दैट इज़ हेट्रोसर्कल कोडल फिन थ्रस्टिंग द बॉडी डाउनवर्ड, बॉडी को है, फिश की जो बॉडी को है डाउनवर्ड की तरफ ले जाया जा रहा है। अब इसमें भी बहुत सारे फोर्सेस का रोल देखने को मिलता है, लिफ्ट फोर्स है, देन लेटरल फोर्स है, ड्रैग फोर्स है, ओके, देन ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो बीच में बनी रहती है, एंड ऑल्सो दैट फिन्स का रोल जो है वो भी देखने को मिलता है, वेदर डोर्सल फिन हो, पेल्विक फिन हो और पेक्टोरल फिन हो, ओके, तो ये बहुत सारे फोर्सेज हैं और जिनका रोल हम देखेंगे कि कौन सा फोर्स है वो किस के लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज ड्रैग फोर्स जो है वो पानी से रेजिस्टेंट दिलवाता है, ओके, देन लेटरल फोर्स है प्रोड्यूस्ड बाय द लेटरल ओसिलेशन ऑफ द बॉडी, बॉडी के लेटरली ओसिलेट करने के कारण ये प्रोड्यूस होता है, देन डाउनवर्ड मूवमेंट, तो वो हेट्रोसर्कल टेल के कारण डाउनवर्ड मूवमेंट हो देखने को मिलता है, देन अपवर्ड मूवमेंट, दैट इज अपवर्ड मूवमेंट इज यूज बाय कोडल फिन के थ्रू, ओके, पेक्टोरल फिन्स हो गए, पुश द बॉडी एंटीरियर एज इट लाइज एंटीरियर टू सेंटर ऑफ द ग्रेविटी, एंड आल्सो यूज एज ए ब्रेक, कंट्रोलिंग डिवाइस की तरह भी वो काम आता है, और साइडवर्ड मूवमेंट परफॉर्म बाय द सिलेक्टिव यूज ऑफ पेक्टोरल फिन्स के थ्रू ही जो है साइडवर्ड मूवमेंट जो है वो भी देखने को मिलता है, ओके। हाउएवर ऑल द इलास्मोब्रैंक्स डू नॉट हैव सिमिलर लोकोमोटरी ऑर्गन, लेकिन सभी में सेम लोकोमोटरी ऑर्गन्स नहीं होते। अब बात आती है स्केट्स और रे की, वो हमने शार्क्स का केस देखा था, स्केट्स और रे जैसे एग्जाम्पल है हाइपोट्रीमेटा, तो इनमें जो है पेक्टोरल फिन जो है वो फॉरवर्ड मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, डोर्सल फिन जो है वो एंटी रोलिंग के लिए, ओके, सो पेक्टोरल फिन कैरी आउट अ वेव ऑफ अंडुलेशन एंड मूविंग बॉडी, द बॉडी को फॉरवर्ड मूव करने के लिए। हाउएवर सम ऑफ द फिशेज लाइक ईगल रेस हैव वेरी लार्ज पेक्टोरल फिन्स, बर्ड्स के फेदर की तरह उनमें पेक्टोरल फिन काफ़ी बड़े होते हैं, जैसा कि हम डायग्राम में देख पा रहे हैं। देन बोनी फिशेज के केस में अगर हम देखें, सो दिस इज़ ए बोनी फिश इन जनरल, बोनी फिश का एक जनरल स्ट्रक्चर है, सो फर्स्ट डोर्सल फिन, देन सेकेंड डोर्सल फिन, पेक्टोरल फिन प्रेजेंट है, ओके, जो कि ब्रेक और टर्निंग डिवाइस की तरह एक्ट करते हैं, वेंट्रल फिन है जो कि एंटी रोलिंग डिवाइस की तरह काम करते हैं, पेल्विक फिन जो है वो अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं, होमोसर्कल कोडल फिन है तो प्रोड्यूसिंग ओनली द फॉरवर्ड मूवमेंट, कोई लिफ्ट फोर्स जो है वो प्रोड्यूस नहीं करते, ओके, सो एयर ब्लैडर एक्टिंग एज ए हाइड्रोस्टेटिक ऑर्गन व्हेन फिश मूविंग द स्टेट, तो वो दोनों क्या करते हैं, पेक्टोरल और पेल्विक फिन दोनों को यूज़ करते हैं, और ओपरकुलम जो है उसे भी एक टर्निंग डिवाइस की तरह यूज में लिया जाता है। हाइट ऑफ द बॉडी इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द ब्रेथ, बॉडी की हाइट जो है वो क्या ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू ब्रेथ, जिससे कि वो हेल्प करती है इन पुशिंग द बॉडी फॉरवर्ड, ओके, देन द फ्लाइंग फिशेज जंप आउट ऑफ द वाटर विद द हेल्प ऑफ डाउनवर्ड पुशिंग ऑफ हाइपोसर्कल टेल, अपनी हाइपोसर्कल टेल या फिर हम जो कहें कोडल फिन है उसकी हेल्प, उसको पुश करके जो है वो पानी से बाहर निकलते हैं, एंड दे फ्लाई ओवर द सर्फेस ऑफ द वाटर विद द यूज ऑफ लार्ज पेक्टोरल फिन, और ये पेक्टोरल फिन जो है उनमें यूज में आता है, एक्सोसीटस दैट इज फ्लाइंग फिश, उनमें ये फेनोमेना जो है वो देखने को मिलता है। सम बोनी फिशेज हैव लॉस्ट द कैपेसिटी
कैपेसिटी ऑफ द स्विमिंग, उनमें स्विमिंग की कैपेसिटी लॉस्ट हो चुकी है ड्यू टू लॉस्ट ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द फिन्स. फॉर एग्जाम्पल सी हॉर्स के अंदर जो है ये केस देखने को मिलता है, जैसे कि इनमें है डायग्रामेटिक हम देखें तो ब्रूड पाउचेस प्रेजेंट होते हैं, प्रीहेंसाइल टेल होती है, सिंगल डोर्सल फिन होता है, फ्यूज जोज जो है वो देखने को मिलते हैं. That will be the case. So overall हम अगर हम बात करें conclusion की कि locomotion जो है fishes में, तो सच द क्लास पीसेज एग्जिबिट वेरियस टाइप ऑफ लोकोमोशन सच एज स्विमिंग, डाइविंग, ग्लाइडिंग, स्ट्राउट स्टटिंग, ओके ऑन द लैंड स्पेशली बाई मीन्स ऑफ फिन्स, फिन्स के थ्रू ही करते हैं, विच प्रूव्स टू बी वेरी एफिशियंट लोकोमोटरी ऑर्गन दैट रिजल्टेड इन द डाइवर्स लार्जेस्ट डाइवर्सिटी इन वर्टिब्रेट. तो लोकोमोटरी ऑर्गन जो है, जो फिन्स जो है, उन्होंने बहुत वाइड डाइवर्सिटी जो है वो क्रिएट करी है वर्टिब्रेट्स में. लेटर ऑन एवोल्यूशन के थ्रू जो है इन्हीं फिन्स से और जो ऑर्गन्स हैं उनका भी डेवलपमेंट हुआ है. सो इट इज़ नोन दैट सम फिशेज दैट इज स्ट्राउटिंग वॉकिंग ऑन द लैंड, मतलब जमीन पे चलने का काम जो है उनमें भी देखने को मिला है. एग्जाम्पल क्रोसोप टेरिगियन एवोल्ड इन टू नेक्स्ट स्टेज दैट इज़ एम्फीबिया, वो एम्फीबिया में कन्वर्ट हो गए थे. तो माना जाता है कि भाई उनके जो फिन्स थे वही उस जो लिम्ब है, एम्फीबियन लिम्ब है, टेट्रापोड लिम्ब है, उनमें वो कन्वर्ट हुए थे. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द लोकोमोटरी ऑर्गन्स इन फिशेज, लोकोमोशन इन फिशेज दैट इज़ उनके टाइप्स, उनके मूवमेंट के टाइप्स, आल्सो देयर इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन, जिससे कि हम एक बेटर 10 मार्क्स और 5 मार्क्स में जो है क्वेश्चन जो है वो इजीली लिख सकते हैं. सो या दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग.